हवाई फायर किया गया, जिससे वहां पर खेतों से काम करके लौट रहे श्री बघेल सिंह जी है जो आ रहे थे वहां पर, और उनके द्वारा इस तरह की घटना होते देखकर उसमें उनको रोकने का प्रयास भी किया गया, और साथ ही साथ इस चीज के बारे में वहां पर जो झगड़ा हुआ उसके बाद जो है मौके पर उनको गोली मार कर ये अभी भागने लगे, जिस पर एक लड़के को भी उन्होंने गोली मार दी चूंकि उसने उसको रोकने का अभियुक्तों को पकड़ने का प्रयास किया। भागते में वो अपनी गाड़ी छोड़ गए चूंकि ग्रामीणों द्वारा पथराव कर दिया गया था वहां पर, तो अपनी गाड़ी छोड़कर और वो वहां से स्कूटी छीनकर भाग गए थे। क्योंकि सूचना में सिर्फ हमारे पास एक स्कूटी का नंबर जो छीना गया था, तत्काल सभी जगह चेकिंग का अभियान चलाया गया, तो शायद करीब पता चला कि कालसी क्षेत्र में सुनसान जगह पर एक बार मोटर स्कूटी बरामद हुई, तो इससे ऐसा प्रतीत हुआ था कि बदमाश कहीं ना कहीं प्राइवेट वाहनों से या अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भाग सकते हैं। लगातार निरंतर चेकिंग होने के कारण कल उनको देर साय जो है दो व्यक्तियों को इसमें गिरफ्तार किया गया जो मौके पर थे, इसमें इनके नाम पुनीत और शुभम है और जो मेरठ के रहने वाले हैं और इस घटना को कारित करने आए थे। इनसे जो है वेपन भी बरामद हो गया, एक जो इनका साथी था नीटू वो मौके से फरार हो गया है, बाकी उसकी समस्त जानकारी मिल गई है। पूरा मामले में ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो इसमें दो लड़के थे रोहित और राहुल थे, आपस में रिश्तेदार भी हैं, और रोहित के पिताजी के नाम बहुत पुराने नाम से जमीन चली आ रही थी, और ये का ये प्लान था कि कहीं मौके पर धमका कर हम उसमें कुछ पैसे ऐट लें या उस जमीन को फिर से अपने पास ले लें, और इन्होंने इस तरह का अज्ञात लोगों को बुलाकर ऐसे धमकी देने का प्रयास किया जिससे कि वह क्योंकि पिताजी के नाम जमीन है वो उनके पास आ जाए। इस संबंध में कहीं भी कोई जमीनी विवाद की सूचना पूर्व में ना पुलिस को थी, न ही जो पीड़ित परिवार है उन जिनकी डेथ हुई है वो कहीं से भी इस जमीन प्रॉपर्टी में कहीं से रिलेटेड नहीं थे। साथ ही साथ जिन महिला के घर पर जो गए थे उनका भी कहना है कि कहीं से भी कोई जमीनी विवाद की कोई बात पहले से नहीं है और गाँव में पहले चीजें सटेल हो चुकी है, लेकिन जिस तरह की अप्रत्याशित और सनसनीखेज घटना हुई उसमें दो की गिरफ्तारी के बाद तीसरे पर इसमें 35,000 का इनाम जो फरार चल रहा था उसके ऊपर किया गया, शेख उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई।